जनपद हापुड़ में परिवहन विभाग व यातायात पुलिस के द्वारा ATMS कॉलेज एवं परमार्थ कॉलेज ऑफ फार्मेसी अच्छेजा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों की जानकारी देने व यातायात के नियमों को पालन करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में संस्था के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राकेश अग्रवाल ने कहा कि सड़क पर वाहन चलाते समय ध्यान रखना चाहिए कि अपना और औरों का जीवन कितना कीमती है। थोड़ी सी गलती से किसी की भी जान जा सकती है। ट्रैफिक इंचार्ज प्रवीण कुमार शर्मा ने भी सभी को यातायात के नियमों के बारे में समझाया और पैदल चलते समय वह वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यात्रीकर अधिकारी मनोज कुमार गुप्ता ने भी सड़क के परिवहन के महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा की कार्यशाला में ATMS कॉलेज की तरफ से एक यातायात के विषय में पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें पहला, दूसरा व तीसरे स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार से नवाजा गया और परिवहन विभाग व यातायात पुलिस की तरफ से 8 दिव्यांगों को भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जब हमारे संवाददाता ने इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्यशाला के बारे में परिवहन विभाग के ARTO राजेश कुमार श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने क्या बताया, सुनते हैं। क्या प्रोग्राम था जो आज हुआ यहाँ पर, कौन सा कॉलेज है ये? जो हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 21 जनवरी 2021 से लेकर के 20 फरवरी 2021 तक मनाया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम शासन के द्वारा निर्धारित करके भेजे हुए हैं। आज के दिन के तयशुदा कार्यक्रम में ATMS इंस्टीट्यूशन जो ये NH9 पर है, इसमें दिव्यांगजन एवं अन्य छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे कि सड़क दुर्घटनाएं जो बढ़ रही थी उनमें कमी लाई जा सके। लेकिन यहाँ कुछ छात्रों को प्राइज वितरण किए गए थे, वो क्या आधार है उनका? जो प्रतियोगिता एक विद्यालय के द्वारा आयोजित कराई गई थी, पोस्टर प्रतियोगिता, उसमें जजेस की कमेटी थी और उसकी कमेटी के अनुसार जो प्रथम द्वितीय तृतीय थे, 3 उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त जो हमारे दिव्यांगजन, जिनको हम विशेष रूप से प्रोत्साहित करना चाहते थे, उनके प्रति सड़क पर दूसरे ड्राइवरों की नरमी और उनको सशक्त बनाने के लिए ज्ञान दिया गया कि यदि वो वाहन इत्यादि खरीदते हैं तो सरकार टैक्स नहीं लेगी और उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस का भी इनवैलिड कैरेज के तहत प्रोविजन है, तो उन 5 और 3 8 दिव्यांगजनों को, उनको भी सम्मानित किया गया प्रतीक चिन्ह दे करके। तो उनका चयन कैसे होता है? उनका चयन नहीं हुआ, उनको तो प्रोत्साहित करने के लिए हमने, चूँकि उनको दूसरी जगहों से यहाँ बुलाया था कार्यक्रम में, तो यहाँ से प्रोत्साहित होकर के जाएं, जागरूक होकर के जाएं, उसके लिए उनको प्रतीक चिन्ह दिया गया था। ये थे जनपद हापुड़ के ARTO राजेश कुमार श्रीवास्तव, जो आपको राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे थे। ATC फास्ट भी आपसे अनुरोध करता है कि आप भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और सही सलामत अपने घर पहुंचें, क्योंकि आपका भी घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए ATC फास्ट।